नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं टॉप 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश पॉलिटिंग 2015 के एक पेपर में पूछा गया था, इंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए के। तो दोस्तों आज हम टॉप 25 क्वेश्चन बताएंगे जो 2015 प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। तो आशा है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो पर और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको यूपी पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट और साथ में प्रिपरेशन की लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, काफ़ी दोस्तों मेहनत के बाद वीडियो आता है। तो वीडियो इस वीडियो का एम है दोस्तों कम से कम 1000 लाइक, तो 1000 लाइक जल्द से जल्द पूरा करिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करूँ और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पार्टी संयुक्त परीक्षा 2015 का है आपका पेपर है, जो कि पहले आपका दोस्तों डेट बता दे रहे हैं आपका पहले कब होता था। अब तो आपका 28 अप्रैल को होगा लेटेस्ट, और जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पे बताऊंगा। अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी जल्दी। 2019 दोस्तों परीक्षा तिथि 2015 में 31 मई को हुआ था, 31/5/2015 में हुआ था। तो ये 2015 का पेपर है जिसमें टॉप 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ध्यान से पूरा देखिए और जरूर लाइक करिए और ध्यान से पढ़िए और बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ कि अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके क्या आप बनाते हैं, या आप क्रिया कर तो या ऐसे भी पूछ सकता है क्या बनाते हैं, या अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जब कोई अम्ल और क्षार एक साथ क्रिया करती है तो वो एक दूसरों के प्रभाव को निरस्त कर देती है और लवण तथा जल बनता है। तो दोस्तों और इस अभिक्रिया को उदास और वो दोनों उदासीन हो जाते हैं, और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसी साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है लाल, पीला, नीला है, रंगहीन। तो दोस्तों आपको याद करना है, इसमें मेथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय माध्यम दोस्तों आपका जो है लाल हो जाएगा, ऑप्शन सही है। और आपको एक चीज़ और याद कर लेना है, तो और क्षारीय माध्यम दोस्तों ये पीला होता है, ये जो पीला है जब क्षारीय माध्यम रहेगा मेथिल ऑरेंज पीला रंग देगा। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं, अपक्रिया FeCl3+H2O+X इक्वल टू या टेंस टू अपक्रिया करके रिएक्शन FeCl2+H2SO4+HCl में X है। तो दोस्तों इस अपक्रिया में आपको पता लगाना है कि X क्या है। तो आपको पहले एक पूरा जो है अपक्रिया जो रिएक्शन आया हुआ है, अपक्रिया रिजल्ट, उसको पूरा करने के लिए आगे कौन सा है। तो दोस्तों अब ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है अपक्रिया में, एक्स जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं, निम्न में से कौन सा धातु है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जैसा कि दोस्तों धातु है, तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं, इसको याद रखिए, और सोडियम धनायन है। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ऑप्शन बी SO2Cl2, सल्फ्यूरिक क्लोराइड इसको बोलते हैं, SO2Cl2 जिसको सल्फ्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, शुष्क करने में प्रयुक्त करते हैं, अमोनिया को शुष्क करने में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा होगा दोस्तों। इसमें जो है आपको बुझे चूने का प्रयोग किया जाएगा, और बुझे चूने का सूत्र होता है आपका दोस्तों COA,
बुझे हुए चूने का सूत्र COA। तो आपको याद रखना है अमोनिया शुद्ध करने में प्रयुक्त करते हैं बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला कभी कभी केमिकल देगा, फार्मूला सीधा COA आपको याद करना है। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। तो देखिए ऑप्शन आपको चार इसमें दिए गए, कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम, सोडियम। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभी अभिक्रिया कर लेती है। तो दोस्तों आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें जो है दोस्तों अत्यधिक सक्रिय धातु है सोडियम और पोटेशियम। और तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो है तो सबसे सक्रिय धातु सोडियम और पोटेशियम है, तो इसमें आपका ऑप्शन सोडियम है। तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सक्रिय अभिक्रिया करता है समान ताप कर। इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर पायराइड का सूत्र। तो दोस्तों इसमें देखिए चार ऑप्शन है। तो जो आपका कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeH2 है, CuFeH2 जो है कॉपर पायराइड का है। और जो है जो आपका अगला है CU2S आपका जो है CU2S आपका हो जाएगा कॉपर ग्लांस, और CU2O जो है क्यूपराइट हो जाएगा, और इसी साथ CuCO3 × CuOH जो है आपका मैलेकाइट हो जाएगा। तो मैं आपको चारों बता दिया, याद करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पीतल में होते हैं। तो आपका दोस्तों पीतल में कॉपर और जिंक होता है, Cu और Zn, कॉपर और जिंक। तो इसमें जो है कॉपर दोस्तों 80% कॉपर और जिंक जो है 20% पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कृत्रिम गोल्ड में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो कृत्रिम गोल्ड में दोस्तों जो है कॉपर 90 से 95% होता है, 90 से 95% होता है, और एल्युमिनियम जो है 5 से 10% होता है। तो दोस्तों इसमें 90% दिया है, 90 से 95, तो 90 लगा देंगे हम। तो इसका कृत्रिम गोल्ड कॉपर जो है 90, तो 90 से 95 आता है, तो 95 देगा तो भी ऑप्शन में 95 लगाया जाएगा, तो याद रखिए। इससे तक अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। तो इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, रासायनिक क्रियाशील। तो इसका जो ऑप्शन है परमाणु क्रमांक सही होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित के साथ लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों लिथियम जो है मैग्नीशियम लिथियम के विकर्ण स्थिति है तथा गुणों में इसमें समानता दर्शाता है। दोस्तों इसमें जो है विकर्ण संबंध क्या दर्शाता है, दोनों में जो है समान गुण होंगे। तो लिथियम का जो है दोस्तों विकर्ण जो है आपका मैग्नीशियम जो है लिथियम के साथ विकर्ण दर्शाता है, विकर्ण संबंध। निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व क्या आंसर है। तो प्रारूपिक तत्व दोस्तों तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपिक, तो दोस्तों आपको बता दें जो तृतीय आवर्त के तत्व होते हैं प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। तो आपका जो है सोडियम जो है प्रारूपिक तत्व है, क्योंकि तृतीय आवर्त का तत्व है। इसी के साथ दोस्तों अगला वीडियो सॉरी अगला क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका आवर्त सेकंड डे के तत्व कहलाते हैं। तो आपको दोस्तों आवर्त वाला सारणी जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद कर लीजिए कि दुर्लभ मृदा क्षार धातुएं किस किस ग्रुप के हैं। तो दोस्तों आपका जो है आवर्त सेकंड के तत्व कहलाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दुर्लभ मृदा क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, दुर्लभ धातुएं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है। तो दोस्तों जो है ये सेकेंड ए के तत्व क्षारी मृदा धातुएं होती हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, जो कि जो है तृतीय तत्व में इसके हैं। तो दोस्तों क्योंकि इनके क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड क्षारी होते हैं तथा इनके ऑक्साइड मृदी अर्थात मृदा के समान उच्च गलनांक वाले होते हैं, तो इसलिए इसको क्षारी मृदा धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएँ होती हैं। कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएँ किसकी होती है, तो इसमें दोस्तों देखिए इसमें जो है कार्बन रसायन का आधार है, कार्बन जो है
जो दोस्तों कार्बन यौगिक श्रृंखला है कार्बन की होती हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एरोमेटिक यौगिक क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है एरोमेटिक यौगिक क्या है। तो एरोमेटिक यौगिक जो है आपका दोस्तों, एरोमेटिक आपका दोस्तों जो है तो दोस्तों जो एरोमेटिक का यौगिक आपका है C6H6 होता है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है। तो कोल तार तथा पेट्रोलियम कार्बनिक स्रोत यौगिक के मुख्य स्रोत है। तो इसमें दोस्तों कोल तार और पेट्रोलियम दोनों दिया गया, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ए तथा बी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी। तो इसमें भी आपको आपको बहुत ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका एल्गिन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो दोस्तों इसमें बताते हैं एल्किन श्रेणी का आपका जो होगा, तो दोस्तों एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है एथिलीन है। इससे अगला क्वेश्चन त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र बताइए, या समान अणुसूत्र क्या है, जिसमें देखिए दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हमको बताना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही दोस्तों त्रिबंध हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र होगा CnH2n-2, तो ऑप्शन ए होगा। हाँ सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा आपका डी, कौन सा, CnH2n-2। तो इसको आपको याद रखना है। इसी साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है दोस्तों, जैसा कि अम्ल और छाल मिलाने पर दोस्तों ही उदासीनीकरण क्रिया बन अपक्रिया बनता है। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है जो आपका है, इसमें बनेगा लवण और जल। लवण उदासीन क्रिया में बनता है लवण व जल। इसी के साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, तो दोस्तों है फिटकरी का सूत्र। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करके देगा, एक वन टू वन की जगह टू या फोर की जगह थ्री करके कर देगा। इसलिए आपको समान सूत्र में पूरा अणु सूत्र में जो आपको याद रखना है, तो क्लियरली पूरी तरह से पढ़ के तभी ऑप्शन लगाना है। तो इसका जो दोस्तों सूत्र होता है आपका यह सूत्र हो जाएगा K2SO4.L2SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2O। तो दोस्तों देख लीजिए आपका ऑप्शन सी होगा, K2SO4.L2SO4 का होल थ्राई इंटू 24H2O। तो इसको याद रखना है आपको ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। एक विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रण 1:10 का 12 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान, तो दोस्तों जो विलयन का पीएच मान आपका 2 होगा, जैसा आपको फार्मूले रखेंगे अगर फार्मूले में पीएच में, तो आप निकाल सकते हैं जिसका होगा ओ एच माइनस इक्वल टू 1 गुड़े दिया गया है मोल प्रति लीटर, तो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इक्वल टू 1:10⁻¹⁴। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रबलतम क्षार बताइए। तो दोस्तों निम्न प्रबलतम क्षार बताते हैं आपको, तो ऑप्शन देखिए क्या है, कैल्शियम CaOH2 का एच CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, MgOH ट्वाइस, और ऑप्शन डी है NH4OH। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको निम्न में प्रबल क्षार जो है आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको, किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। किसी अम्ल के जलीय विलयन में दोस्तों क्या होते हैं, तो जलीय विलयन अम्ल में प्राप्त एच प्लस जल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बनिक आयन H3OH+ बनाते हैं, तथा अम्ल के जलीय विलयन में केवल H3O+ होते हैं। तो ऑप्शन इसका आपका होगा H3O+। और लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आपको कि क्या है इसमें दोस्तों, क्या लिखा गया है, ए बी सी तथा डी के विलयनों के पीएच मान कम से 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5, इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन। तो दोस्तों इसमें
मैं ऑप्शन इसमें फंडा बताता हूँ आपको, कैसे कोई भी क्वेश्चन चेंज होगा आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं इसमें, बताएंगे आपको कैसे। तो इसमें दोस्तों देखना है आपको, इसमें आपको क्या रखना है कि इसमें लिखना है क्षारीय, सर्वाधिक क्षारीय विलयन। तो आपको क्या है इसमें फंडा याद रखना है कि पीएच के मान में वृद्धि के साथ क्षारकता बढ़ती है, मतलब दोस्तों अगर पीएच का मान बढ़ेगा तो उसकी क्षारकता बढ़ेगी, अतः ये सर्वाधिक क्षारीय विलयन। मतलब दोस्तों देखिए इसमें जो तीनों चारों दिया गया, इसमें सबसे ज़्यादा पीएच मान जो है 11 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए तत्व, ए विलयन जो है उसका क्षारीय विलयन अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जो है आपका इसमें सबसे ज़्यादा पीएच मान इसी का है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जितने आपको तत्व दिया जाए, और जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा उसका क्षारीय मान अधिक होगा, और जितना पीएच मान उसका कम होगा उतना ही अम्लीय होगा, और साथ रहेगा तो वह उदासीन होगा। इतना फंडा आपको एक क्वेश्चन मिल गया। तो इसी के साथ दोस्तों जो है दोस्तों अगला वीडियो टॉप 50 में आएगा, और मैथ का मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं ट्रिक के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के अपलोड हो रहे हैं, और रोज़ वीडियो अपलोड होते हैं सुबह 8 से, और शाम में भी अपलोड होते हैं। तो वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया जरूर लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद वीडियो लाया मैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर होगा, उसको दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाओ, नीचे बगल में बेल आइकन बनेगा उसको प्रेस कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारियाँ नोटिफिकेशन द्वारा, मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों आपको 2019 के पॉलिटेक्निक में प्रिपरेशन, कॉलेज अलाटमेंट किस तरह से कराया जाए सभी जानकारी आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी तरह से दी जाएगी। तो दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आई, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।